नमस्कार, आज हम बात करेंगे फिश यानी मछलियों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। रेगुलर जो लोग फिश खाते हैं या फिश को स्टेपल डाइट रखते हैं, उनको क्या बेनिफिट होते हैं, उनके हेल्थ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फिशेस खाने का, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस के बेनिफिट्स के बारे में और उसके बाद उसके डिसएडवांटेज के बारे में। फिशेस बेसिकली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन जो है फिश का जो रहे काफ़ी नेचुरल प्रोटीन रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन रहता है, फैट कम रहता है, इसलिए लीन प्रोटीन माना जाता है। तो वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि बाकी सारा एनिमल प्रोटीन या अंडों से आने वाला प्रोटीन साथ में फैट बहुत लेके आता है। अब मान लीजिए आपने एक अंडा खाया, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम कोलेस्ट्रॉल भी साथ में आता है, फैट भी साथ में आता है, तो वो लीन प्रोटीन नहीं है। क्योंकि अगर आपने पूरा अंडा खाया, सिर्फ एग वाइट नहीं खाया, यानी पूरा अंडा को आपने ऑमलेट बना के खाया, बॉयल करके खाया, जैसे भी, तो आपको साथ में कोलेस्ट्रॉल भी जा रहा है प्रोटीन के। वहीं अगर आप नॉन वेज में कोई मीट ले रहे हैं या मटन चिकन कुछ भी ले रहे हैं, तो ज़्यादातर केस में प्रोटीन और फैट लगभग बराबर जाएगा। इनफैक्ट कई केसेस में जितना प्रोटीन नहीं जाएगा उससे ज़्यादा फैट से आपको नुकसान हो जाएगा। तो फिश के मामले में ये सबसे अच्छी बात है कि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा और रिच सोर्स है, और लीन प्रोटीन है तो फैट कंपेरेटिवली कम है, बशर्ते कि आप उसको स्टीम ग्रिल करें, फ्राई नहीं करें बहुत ज़्यादा, उसको तेल में ना बनाएं, नहीं तो तेल की वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होगा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स है। सैलमन, मैकरल, सार्डिन्स, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है, जो कि हार्ट के हिसाब से एक अच्छा ऑयल माना जाता है, बॉडी का इंफ्लेमेशन कम करता है, ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। फैटी फिश यदि हम लेते हैं तो फिश का फैट जो है वो नुकसान करने के बदले उल्टा फायदा करता है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने पर या बहुत ज़्यादा उसको अगर हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई या बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप फिश के फॉर्म में लेते हो, नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हो, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हिसाब से फिशेज सबसे अच्छा सोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का माना जाता है नेचुरल फूड्स में। इसके अलावा इस पर कुछ विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, आयोडीन और सेलेनियम रहते हैं, जो कि अच्छा है हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, HDL को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो हार्ट के क्लॉटिंग का टेंडेंसी और हार्ट की इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी, हार्ट अटैक की टेंडेंसी को कम करता है। इसी तरह का फायदा इसका ब्रेन में भी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो डिक्लाइन जो मेमोरी फंक्शन का एज के साथ होने लगता है, यानी उम्र के साथ याददाश्त जो चली जाती है उसमें भी ये फायदा करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से बॉडी के इन्फ्लेमेशन कंडीशन जैसे आर्थराइटिस है उसमें भी अच्छा है, क्योंकि ये सारी कंडीशन ऐसी है जिसमें एंटीबॉडीज हमारा नुकसान करती है, तो ये उसमें भी अच्छा है। इसके अलावा फिशेस जो है हमारी आंखों के हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट है वो आंखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, विजन अच्छा मेंटेन करता है, और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन यानी एज रिलेटेड जो आंखें खराब होती है उसमें भी कुछ मदद करता है। पर फायदे के साथ इसमें कुछ नुकसान भी है। फिशेस का ये है कि वो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, इसलिए वातावरण के बहुत सारे टॉक्सिन वो खा सकती है। जापान में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हुई थी जिसको मिनामाटास डिजीज बोलते थे, उसमें फिशेस ने बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी का एक्सपोजर फिशेस को हो गया था, सी में बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी डंप किया गया था, वो उन्होंने खा लिया था, तो फिर वो तरह के फिशेस खाने वाले को मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई थी। तो जिस वातावरण में वो रह रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है और वो क्या खा रही है उसको कंट्रोल और मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा कुछ लोग को फिशेस से थोड़ा एलर्जी होने का चांस है। ज़्यादा बहुत फिश खाने से ओवरऑल एनवायरनमेंट पर भी एक दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फिशेस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर सारे ही लोग फिशेस को अपना स्टेपल काम बना लें और लोग बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं तो किसी भी एरिया के फिशेस का कम होना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है कि हम वहाँ पे उनको कल्चर कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनको फिशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सी या किसी भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा अगर फिशिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फिशेज एक्सटिंक्ट होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, जिससे कंसर्न होता है। और फिश फार्मिंग भी अगर करते हैं तो वो भी थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वो एरिया में वाटर पोल्यूशन का होना, बीमारी का फैलना, एनवायरमेंटल इश्यूज होना, ये सारे थोड़ा प्रॉब्लम रहते हैं। प्रोसेस्ड फिश प्रोडक्ट्स जो लोग लेते हैं मार्केट में, अगर फिश के जो बने बनाए खाद्य पदार्थ जो लोग लेते हैं उनके लिए भी थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि
वो सारी चीज़ों में अनहेल्दी फैट्स और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा डाले हुए रहते हैं, तो वो भी उतना फ़ायदा नहीं, नुकसान कर सकते हैं। फिशेस कई बार माइक्रो प्लास्टिक भी खा लेते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स और मटेरियल्स भी खा लेते हैं, वो भी थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा कई बार फिश फार्मिंग के दौरान अलग तरह के कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, ये भी नुकसानदायक होते हैं। जिस तरह पेड़ पौधों में ये तकलीफ दे सकते हैं, उसी तरह फिश फार्मिंग में भी ये तकलीफ दे सकते हैं। फिश फार्मिंग का बेसिकली मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉन्ड में आप फिशेस को वहाँ पे ब्रीड करने दो, बाद में उनको निकाल के आप सेल कर दो, खाने पीने के यूज़ के लिए आप उसको यूज़ करो। तो वो एरियाज में कई बार इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कई डाले जाते हैं, फिश को हेल्दी रखने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। इसके अलावा कई बार ये फार्म फिश यानी आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड फिश में कुछ अलग तरह के एंटीजेनिक इश्यूज़ भी रह सकते हैं, जिससे लोगों को एलर्जी हो सकती है। अलग अलग तरह की फिश अलग अलग कौन कौन से एनवायरनमेंट से आ रही है, उसके बेसिस पे उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या कंटेंट है, कितना फैटी एसिड्स है, कितना नेचुरल चीज़ है, उसमें वेरिएशन आ सकती है। इसलिए कई बार साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि कैप्सूल ओमेगा 3 फैटी एसिड की खाने वो ज़्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू नेचुरल फिश, क्योंकि वो कितना वेरिएशन उसमें होगा, साथ में कितने टॉक्सिन जाएंगे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने फिश एज अ फूड के बारे में बात की, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयोडीन और सेलेनियम इसमें होता है। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, हार्ट अटैक के चांस को कम करता है। ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक को कम करता है और ब्रेन का एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन फंक्शन जो है उसको कम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बच्चों की मानसिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है यदि माँ इसको कंज्यूम करती है तो। इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आर्थराइटिस के लिए अच्छे हैं। आँखों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें डोकोसा एक्सेनोइक एसिड होता है जो कि अच्छा न्यूट्रेंट है जो कि आँखों के लिए अच्छा है। फिश के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, एक तो किस एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे मर्क्यूरी है, केमिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, किस किस तरह के एनवायरनमेंट में फिश का ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग तरह के इश्यूज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो फिश कम होने लगती है, एक इकोसिस्टम ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा फिशेस के साथ कई बार टॉक्सिसिटी हो सकती है, खासकर अगर फिश को प्रोसेस बहुत ज़्यादा किया जाए तो उसमें अलग अलग ऑयल्स और केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते हैं। इसके अलावा फिशेस के साथ कई बार न्यूट्रिएंट वेरिएबिलिटी भी हो सकती है कि अलग अलग तरह के फिशेस में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में वेरिएशन हो सकते हैं, जिस तरह से फिश को कल्चर किया गया उसके हिसाब से हो सकता है। फिशेस कई बार माइक्रो प्लास्टिक्स और केमिकल्स वगैरह जो उनके लिए यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें भी खा लेती है, तो वो भी थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। और ओवरऑल फार्म किए हुए फिशेस जो हैं जो आर्टिफिशियली कल्टिवेट किए जाते हैं उसमें कई बार अलग अलग तरह की एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि वीडियोज़ की रीच बढ़ सके।